दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है और साथ में साथ आज हमारे महिलाओं का भी दिन है, तो दोनों दिन एक साथ मिल गए, बड़े दिन। और महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि महिला होना एक अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है और वो सब जगह लेके चलती है महिला, अपना घर गृहस्थी जॉब ऑफिस सारी चीज़ें, तो महिला होना ही एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। खास बात तो क्या, भोलेनाथ अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है, तो उसके लिए बयां करने वाली वो नहीं है, भगवान का इतना बड़ा वो है कि उसके लिए शब्द ही कम पड़ते हैं, ठीक है ना। आप देखिए सभी भक्त अपने विचार रख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ जो स्वयं महंकाल है और अब दीपक जलना शुरू हो गए, 2100 दीपक जलाए जाएंगे और दीपक लगाने की शुरुआत हो चुकी है। तो एक तरफ सत्संग का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम तो बड़ी ही अच्छी सत्संग चल रही है और हम भी इस बीच में प्रभु के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, तो चलिए सत्संग में चलते हैं। कहाँ बस नादेश्वर के यहाँ तो नारद मुनि जैसे संतों ने तपस्या की तो बहुत ही आनंदमय और आनंद ही होता है। ये तो प्राचीन मंदिर है या तपस्या के घर है, या तपस्या करने वाले को आनंद ही मिलता है और यह तो देवभूमि है, यहाँ तो आनंद लेने वाले भजन सत्संग और बहुत ही आनंद होता है। बर्फानी बाबा जैसे संत यहाँ बिराजे, राजगिरी जी महाराज थे। आयोजन तो यहाँ तो शिवरात्रि का होता ही है, दूसरा बैसाख शुद्ध दशम में ध्वजारोहण होता है, उसमें महादेव जी की ध्वजा चढ़ती है। अभी आगे दत्तात्रेय मंदिर का भी प्रतिष्ठा है जो अभी दत्त भगवान विराजेंगे वहाँ, ये चैती नवरात्रों में प्रोग्राम होगा, उसमें सभी ग्रामवासी करेंगे और गुरुदेव बर्फानी बाबा के आशीर्वाद से होगा, उनके आशीर्वाद से यह सब बढ़िया हो रहा है। हिंदू धर्म कितना पुराना है? हिंदू धर्म का कोई अंत नहीं है, ये तो अजर अमर है, उसका प्रमाण मंदिर में है। हाँ अजर अमर है, इसलिए तो सब धर्म ही इसी से निकले हैं, सनातन धर्म से। सनातन तो बहुत बड़ा धर्म है। आज कितने दिए जलाने वाले हैं, आज क्या है? ये तो आज जलेंगे ही, हम यहाँ तो हर वर्ष जलते हैं, लाखों की तादाद में चले, 15-15, 25-25 हज़ार दीपक जले, तो यहाँ दीपक तो महादेव की कृपा है, ये यहाँ तो कई साधु संतों ने तपस्या की, जत्ती महात्माओं ने तपस्या की और राजगिरी बर्फानी बाबा जैसे यहाँ संत तपे, तपोभूमि है, तो यहाँ आनंद ही आनंद है और आनंद ही रहेगा। महाशिवरात्रि पे नई गांव की ओर से, हमारी ग्राम पंचायत की ओर से, नादेश्वर महादेव विकास समिति की ओर से, प्रन्यास की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, इसमें जो इस काम में लग रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। देखिए आप पूरे
मंदिर को देखिए पूरा जगमग है। और शिवरात्रि के इस महापर्व पर आप देखें कि बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है और पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार जो है प्रसंग चल रहे हैं, गीत भजन सब यहाँ पर। जय महादेव जय महादेव। एक तरफ भजन चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हाँ क्या बात है। तो देखिए अब नंदी दरबार में जबरदस्त भजन की प्रस्तुतियां दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भक्त दर्शन करते हुए दर्शनार्थी, बहुत ही प्राचीन मंदिर, हजारों साल पुराने प्राचीन नादेश्वर महादेव मंदिर पर सभी भक्त वत्सल बड़े ही प्रेम के साथ दर्शन की जो है दर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए आप, आरती की तैयारी चल रही है, किस तो आरती का समय भी होने वाला है। जी बोले, क्या कहना चाहेंगे आज के महाप्रसंग पे? बहुत ही विशेष उपलक्ष्य है और इसी विशेष उपलक्ष्य में आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पे सभी भक्तों को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं यहाँ पे। और अभी संध्या की आरती नादेश्वर महादेव में होने वाली है। हम निवेदन करते हैं कि सभी लोग पधारें और दर्शन करें और भविष्य में भी यहाँ पधारें। बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत रमणीय स्थान है भगवान का। आप सब लोग पधारिए और काफ़ी जनता जो है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आती है, क्योंकि नारद ऋषि से इसका संबंध कहा जाता है कि कभी किसी समय में नारद ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो इसी वजह से इस स्थान का नाम जो है उन्हीं के नाम से, नारदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और इसका प्राकट्योत्सव ऐसा माना जाता है करीब 600 वर्ष पहले ये प्रकट में हुए थे भगवान। यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, उसी की सेवा हम सब लोग करते हैं। और करीब अगल बगल के 7 गांव जो हैं वो यहाँ पे सेवा में उपलब्ध रहते हैं, उपस्थित रहते हैं भगवान की सेवा में। धन्यवाद। आज मातृशक्ति का भी दिन है, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। आज है, अंग्रेजी है पर है जरूर, मातृशक्ति तो है ही, क्योंकि भोले के साथ में अगर शक्ति को नहीं जोड़ा जाएगा, शिव और शक्ति तो एक ऐसा सहयोग है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। और बिना शिव के शक्ति नहीं और बिना शिव के शक्ति नहीं और बिना शिव के शक्ति नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बिना कुछ है नहीं। तो मातृशक्ति तो अग्रणी है और भारतीय संस्कृति में माता को हमेशा आगे का स्थान दिया गया है, तो उसके लिए भी आज महिला दिवस है, तो उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत बधाई और भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज के हालात इस आधुनिक युग में बिगड़ते जा रहे हैं, इस आधुनिक युग में मोबाइल जैसी व्यवस्था ने बिल्कुल व्यवस्था को जर्मना दिया है। नहीं, हमें उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, आप किस तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं, आप उसी चीज़ को अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बट आपका मस्तिष्क सही होना चाहिए, आपकी सोचने की जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आपका सोचने का तरीका ठीक नहीं है तो फिर आप गलत राह पे ही जाएंगे, क्योंकि इसी सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी उपलब्ध है इसी सोशल मीडिया पे। अब आप किस वजह से जाना जाते हैं वो आपके ऊपर
निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हमारे दर्शक देखेंगे, अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपना योगदान देंगे। आपका धन्यवाद गुरुदेव। तो देख सकते हैं सभी भक्त वत्सल यहाँ मौजूद है, सभी बड़े ही प्रेम के साथ दर्शनार्थी दर्शन करते हुए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पधारे भगवान भोलेनाथ की इसके इस हर हर महादेव पवित्र स्थान पर पधार के आपने दर्शन किए, हर साल पधारते रहे और प्रभु की सेवा करते रहे, सनातन संस्कृति को जोड़े, और संस्कार बिना जीवन अधूरा है। बिल्कुल अधूरा, बिल्कुल अधूरा। सब कुछ बाजार में मिलेगा लेकिन संस्कार कभी नहीं मिलेंगे। संस्कार तो हमें यहीं से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें यहाँ, देखिए युग मोबाइल का है, तो छोटे छोटे कई शिवलिंग और भी हैं यहाँ पे, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और लगातार दर्शनार्थी लगातार पधार रहे हैं, खूब दर्शन का आनंद ले रहे हैं, कोई फोटोग्राफी का आनंद ले रहे हैं। ढोल बजने लगे हैं, देख लीजिए आपके साथ। तो प्रभु की सेवा शुरू होने वाली है, आरती होने वाली है। हर हर महादेव की जय हो। तो आप जानते हैं कि यह प्राचीन स्थान नंदेश्वर महादेव मंदिर पर यह बहता हुआ पानी कभी खत्म नहीं होता है, हजारों सालों से इसी प्रकार से बहता ही रहता है, बहता ही रहता है निरंतर। यही कई खेतों में भी सिंचाई भी होती है इस पानी से, और निरंतर ये बहता हुआ चला जाता है। आज के आधुनिक मशीनें फेल हो जाती, लेकिन ये ईश्वर की मशीन आज दिन तक फेल नहीं हुई है। भगवान भोलेनाथ की मशीन 24 घंटे चलती रहती है।